दिल्ली में भगवान बुद्ध की हड्डियां, अट्ठियां या अस्थियां, पाली में अट्ठी बोलते हैं हड्डियों को, या रेलिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आपको देखनी है या भगवान बुद्ध की 22 हड्डियों के, अस्थियों के, बोन्स के अगर आपको दर्शन करने हैं, तो आप यहाँ के जनपद स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम में आइए। नेशनल म्यूजियम में आने के लिए आपको, राष्ट्रीय संग्रहालय में आने के लिए आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप मेट्रो लें। मेट्रो से आप राजीव गांधी मेट्रो स्टेशन, जो कनॉट प्लेस जिसको बोलते हैं, वहां पहुंचे और वहां से जो अंडर लाइन है मेट्रो की, उसके नीचे से जाएं तो आपको वहां उद्योग भवन पे स्टॉप पे आपको मेट्रो छोड़ेगी। उद्योग भवन के गेट नंबर 2 से आप बाहर आएं। जब आप गेट नंबर 2 से उद्योग भवन के बाहर आएंगे तो सामने आपको मौलाना आजाद रोड दिखाई देगी। उस रोड के साथ साथ, यानी गेट के साथ साथ आप चलते रहें, सबसे पहले आएगा उद्योग भवन। उद्योग भवन एक बिल्डिंग है, बड़ी सरकारी दफ्तर है। उसके बाद में आएगा निर्माण भवन। निर्माण भवन CPWD का हेडक्वार्टर है, पूरे देश का है। और उसके बाद में तीसरी बिल्डिंग आएगी विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय को जैसे ही आप कोने पे पहुंचेंगे, सामने देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय संग्रहालय यानी नेशनल म्यूजियम का गेट दिखाई देगा। नेशनल म्यूजियम के गेट में आप अंदर आइए सिक्योरिटी चेक के बाद में, और सबसे पहले बिल्डिंग में, यानी कि नेशनल म्यूजियम में अंदर जाने की बजाय बाहर देखें। बाहर आप देखेंगे एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्थरों का एक चट्टान सी छोटी सी बनाई हुई है, लगभग 1.5-2 मीटर ऊंची। उस चट्टान को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उस शिला को, उस पत्थर को ध्यान से अगर देखेंगे, तो आपको अशोक की याद आएगी। सम्राट यानी सम्राट अशोक की याद आएगी, धम्म चक्रवर्ती सम्राट अशोक। वहां आपको जो पत्थर है, ध्यान से देखने पे आपको अशोक लिपि में लिखे हुए उस समय के सारी खुदाई, सारी के सारी जो पत्थरों पे लिखाई करवाई थी, जो पत्थर की किताब में है, वो आपको वहां दिखाई देगी। राइट और लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां बहुत सारी प्राचीन काल मूर्तियां आपको दिखाई देंगी। गेट में सिक्योरिटी चेक में घुसने के बाद, यानी राष्ट्रीय संग्रहालय में जब आप अंदर घुसेंगे, एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद आपको सामने एक काउंटर दिखाई देगा। उस काउंटर से आप 20 रुपये का एक टिकट लेंगे। स्टूडेंट के लिए टिकट फ्री है। सोमवार को नहीं आइए, क्योंकि मंडे को ये क्लोज रहता है। अगर बुद्ध पूर्णिमा सोमवार की पड़ती है तो ये उस दिन भी खुलता है, या गजट कोई भी अगर राष्ट्रीय अवकाश या गजटेड अवकाश होता है, गजटेड लीव होती है, हॉलीडे होता है, तब भी ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन खुलता है। 20 रुपये का टिकट लेके आप अंदर गैलरी में एंटर करेंगे तो आपको पहली ही गैलरी उल्टे हाथ पे मिलेगी, जिस पे लिखा होगा हड़प्पा सभ्यता। उस गैलरी से आप अंदर जाएंगे, जाते चले जाएंगे तो लास्ट में आपको भगवान बुद्ध की 22 हड्डियां के टुकड़े, छोटे छोटे, सामने रखे हुए कैस्केड में, जो थाईलैंड के राजा ने दिया था बनवा के, उसमें आपको दिखाई देंगे। भगवान बुद्ध की हड्डियां या अस्थियां या बोन्स या रिलिक्स जब आप वहां देखेंगे तो वहां कुछ लिखा भी होगा, आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे, और उसके दाएं बाएं बहुत सारी प्राचीन बुद्ध की कलाकृतियां, बुद्ध की मूर्तियां, बुद्ध के अवशेष आपको हजारों की संख्या में पूरे राष्ट्रीय संग्रहालय में बिखरे हुए मिलेंगे। ये राष्ट्रीय संग्रहालय में अधिकतर जो चीज़ें हैं वो अशोककालीन या हड़प्पा सभ्यता कालीन या राखीगढ़ की सभ्यता या पुरानी सभ्यता या जो आसपास की और जितनी भी सभ्यताएं हैं, उस इतिहास के अवशेष यहाँ दिखाई देते हैं। भगवान बुद्ध की अस्थियों के बारे में बताते हैं कि बुद्ध जो होते हैं, बुद्ध अपनी मृत्यु को इच्छा मृत्यु में बदल सकते हैं, यानी उन्हें कब मरना है, कब अपना शरीर छोड़ना है, कब अंत करना है शरीर का, ये उनके हाथ में होता है। निर्वाण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं करते, इसलिए यहाँ ये कहना बिल्कुल सही होगा कि वो अपना शरीर के अंत करते हैं, साथ ही साथ अपनी मृत्यु का भी अंत करते हैं और जीवन का भी अंत करते हैं। भगवान बुद्ध ने जो बैसाख का महीना है उसको चुना। बैसाख से ठीक 3 महीने पहले उन्होंने कहा कि वो अब अपना शरीर छोड़ देंगे, बैसाख की पूर्णमासी को। पूर्णमासी को पूर्ण चंद पुरानी भाषा में बोला जाता है। चंद माने चांद होता है और पूर्ण माने होता है पूरा। इसलिए बहुत लोगों के नाम आपने सुने होंगे, पूर्ण सिंह या पूर्ण चंद। पूर्ण चंद नाम बहुत प्राचीन नाम है और पूर्णमासी को ही, पूर्णमासी के चांद को ही पूर्ण चंद बोलते हैं। जब आप ध्यान देंगे तो आपको एक बात का और भी पता चलेगा कि
वैसाख पूर्णमासी यानी पूर्ण चंद को ही भगवान बुद्ध का यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, और वैसाख पूर्ण चंद यानी पूर्णमासी फुल मून वाले दिन ही, वैसाख के फुल मून वाले दिन ही भगवान बुद्ध को खुले में ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि प्राप्त हुई थी। और भगवान ने अपनी मृत्यु का भी समय वैसाख का पूर्ण चंद यानी कि फुल मून पूर्णमासी को ही चुना। ये लगभग अपने जन्म के 80 साल बाद उन्होंने शरीर को छोड़ा, और उसके बाद उनका शरीर हमेशा के लिए अंत हो गया और उनकी मृत्यु का भी अंत हो गया। एक डब्ल्यूसी पेपे करके अंग्रेज हुआ करते थे, डब्ल्यूसी पेपे स्टेट मैनेजर थे, विलियम क्लैक्सटन पेपे उनका पूरा नाम था, और वो जो बिरधपुर बस्ती जिले में यानी अगर आज का हम उसको सिद्धार्थ नगर बोलें तो वहाँ के वो स्टेट मैनेजर हुआ करते थे, क्योंकि भारत छोटी छोटी स्टेटों में बटा हुआ था। और ये बात है लगभग 1898 की। तो वो अपने स्टेट को बढ़ाने के लिए जंगलों को साफ कराते थे और वहाँ पे उन ज़मीनों को खेती के लायक बनाते थे। ऐसे ही जब वो एक जंगल को साफ करा रहे थे तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा स्तूप है जो बड़ी बड़ी ईंटों का बना हुआ है और ढका हुआ है। उनको जिज्ञासा हुई, क्योंकि वो शौकिया तौर पे पुरातत्ववेत्ता भी थे यानी खुदाई भी कराते थे, तो उन्होंने वहाँ एक शाफ्ट बनाई और वहाँ खुदाई करना शुरू किया। खुदाई के दौरान में उन्हें वहाँ पे बहुत ही कमाल की चार कैस्केड यानी चार उन्हें कुंभ यानी छोटे छोटे लोटे जो कि सैलखड़ी पत्थर के बने हुए थे वो उन्हें वहाँ पर मिले। उन पत्थरों में पत्थर के जो लोटे थे उनके अंदर उनको बहुत सारी कमाल की चीज़ें मिली। उन सैलखड़ी के पत्थर के जो कंटेनर थे यानी लोटे थे उस पर एक पे लिखा हुआ था जो अशोक की टिपी है उस भाषा में कि ये जो हड्डियां हैं यानी ये जो अस्थियां हैं ये बुद्ध की अस्थियां हैं। वहाँ से पता चला कि ये बुद्ध की अस्थियां हैं। और उसमें सिंह गज स्त्री सितारे फूल धमचक्के मूंगा मोती रजत सोना तांबा चांदी बहुत सारी चीज़ें वहाँ उसमें मिली। मगर सबसे कमाल की बात जो उसमें मिली कि उसमें एक चार आर्य सत्य का स्वास्तिक चिन्ह भी मिला और एक त्रिरत्न का सिंह चिन्ह भी मिला, यानी कि त्रिरत्न का जो चिन्ह था वो और चार आर्य सत्य का स्वास्तिक चिन्ह वह भी वहाँ पर मिला। तो उससे पता चला कि ये जो लोग हैं आर्य सत्य को किस तरह से मानते थे और किस तरह से करते थे। ये जगह जिस जगह ये मिला उस जगह को पिपरवा बोलते हैं, पिपरवा यानी पिपरवा का मतलब है पीपल वाला, पीपलवा या पीपरहा, तो इसको पिपरहवा बोलते हैं। और इसका जो अपभ्रंश है यानी जो इसका सही शब्द है वो है पीपरवा यानी कि पीपल वाला, पीपल वाले इस जगह के नाम से ये जगह वहाँ पर है जहाँ ये स्तूप है। और जहाँ ये स्तूप मिला इस बात से तय हुआ कि कपिल वस्तु यानी कपिल वस्तु जो जगह थी वो पहले यहीं थी। कपिल वस्तु अभी जगह हम जो जानते हैं वो नेपाल के अंदर पड़ती है, मगर इस खुदाई के बाद से ये तय हो गया कि कपिल वस्तु इसी जगह का नाम था, क्योंकि उस जो कुंभ है यानी उस लोटे पर लिखा हुआ था कि जो शाक्य बहन भाई हैं उन्होंने उन अस्थियों को वहाँ पर दिया और वो बुद्ध की अस्थियाँ हैं। तो बहुत दिनों बाद ये बात पता चली, क्योंकि समय के हिसाब से जगह और स्थान बदलते चले जाते हैं। स्तूप सारा का सारा पेड़ पौधों में ढक गया और वो जगह भी बदल गई, नाम बदल गया, नाम उसका पेपर हवा हो गया और कपिल वस्तु नाम उसका ख़त्म हो गया। ये बात पता चली। हुआ यूँ कि बुद्ध जब अपने शरीर का अंत उन्होंने किया तो शरीर के अंत होने के बाद में उनकी जो बॉडी है उसको उनके शरीर को वहाँ जलाया गया, और जलाने के बाद में अवशेष जो मिले यानी जो हड्डियाँ मिली थी उसको 8 भागों में डिवाइड किया गया, 8 हिस्सों में उसको डिवाइड किया गया। और 8 हिस्सों में डिवाइड करके उसको 8 जो वहाँ छोटे छोटे स्टेट या क्लैंस या जो कबीले थे या जो वहाँ गढ़ थे या राज्य थे उनको दिया गया, जिसमें अजात शत्रु जो मगध के राजा थे वो ले गए, वैशाली के लिच्छवी, कपिल वस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, रामगाम के कोलिये, वेटद्वीप के ब्राह्मण, पावा के मल्ला, कुशीनगर के मल्ल, और जो जिस पात्र में ये जो जिस पात्र से ये बांटा गया था उसको मजदूरी के स्वरूप उस व्यक्ति को दे दिया जिसने वो सारी राख इकट्ठी की थी और उसके 8 हिस्से किए थे, वो जो बर्तन था उसको दे दिया। बुद्ध की इन
आठ भागों में बटी हुई अस्थियों पे या जो हड्डियां हैं या जो उनके कपड़े वगैरह थे उन पे पूरी दुनिया भर में स्तूप और चैत्य बने। आज की डेट में जो उनके अवशेष हैं वो पूरी दुनिया के लगभग 23 देशों में बिखरे पड़े हैं। अफगानिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, पर्शिया, रशिया, सिंगापुर, लंका, थाईलैंड, तिब्बत, वियतनाम, ये पूरी दुनिया के अंदर जो भगवान बुद्ध की हड्डियां हैं यानी अस्थियां हैं या बोन्स हैं वो बिखरी हुई पड़ी हैं। दिल्ली के म्यूजियम में 22 टुकड़े हैं। ये 22 टुकड़े बाद में जो मिले हमें, क्योंकि केएम श्रीवास्तव जो थे एएसआई के चीफ थे उस समय 1971 से 1975 तक, 1971 से लेके 1975 तक के बीच में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण था, डिपार्टमेंट था, उसने वहाँ पे फिर खुदाई की और खुदाई करने पे ये 22 हड्डियाँ वहाँ उन्हें प्राप्त हुई। 22 हड्डियाँ प्राप्त होने के बाद में उन हड्डियों को लेके वो दिल्ली के संग्रहालय में रखा गया। हालांकि दिल्ली के संग्रहालय में रखना इनको गलत है और इसके बारे में जो तत्कालीन यानी कि राज्य मंत्री रिजिजू जी हैं उन्होंने 5 मई 2015 को ये कहा था कि इन हड्डियों को यहाँ से स्थानांतरित किया जाए, इन हड्डियों को यहाँ से किसी ऐसी जगह रखा जाए जहाँ आने जाने वाले लोग इसको आराम से देख सकें, और इसका उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट से कहा भी था। ये बात ठीक है कि हड्डियों का जो स्थान है यानी अस्थियों का जो स्थान है बुद्ध का, वो बहुत ऊँचा है, और उस स्थान को देखते हुए क्योंकि भारत में जो बुद्ध हैं और बुद्ध को भारत के हिसाब से दुनिया जानती है, तो दिल्ली जैसे शहर के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत विशाल एक ऐसा स्तूप बनना चाहिए जिसमें ये 22 की 22 हड्डियाँ वहाँ अस्थियाँ या बोन्स रखे जाएं और उनको पूरी दुनिया के लिए खोला जाए। इससे वहाँ जो रेवेन्यू प्राप्त होगा वो रेवेन्यू कमाल का होगा और भारत का दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम होगा। 5 मई 2015 का जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें स्टेट मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स जो माननीय किरण रिजिजू जी हैं उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन जो रिलिक्स हैं इनको अलग रखने के लिए रिक्वेस्ट की और ऐसा अखबार के अंदर दर्शाया गया है। ये जो अस्थियां हैं इन अस्थियों को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, खासतौर से बुद्ध पूर्णिमा के दिन, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं, असेंबली करते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, और वहाँ एक कार्यक्रम भी होता है जो वहाँ के ऑडिटोरियम में हर साल होता है। आप 9 से लेकर 10 बजे के बीच में वहाँ पहुँच जाइए और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पे वो कार्यक्रम मिलेगा। उसके बाद में फिर अस्थियों तक ले लेकर जाते हैं। उस दिन कोई टिकट भी नहीं होता और वहाँ एक कैंटीन और कैफेटेरिया भी है, अगर आपको भूख लगे तो वहाँ खाना भी खा सकते हैं। मोबाइल से वहाँ आप स्टिल फ़ोटो ले सकते हैं, जितने चाहें आपका मोबाइल जाएगा, आप स्टिल फ़ोटो अपने ले सकते हैं। पिछले साल भी लोग वहाँ गए थे, उसकी कुछ फुटेज हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, और हर साल वहाँ लोग जाते हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक ऐसा समय आएगा जब भारत सरकार को इन अस्थियों को अलग से स्तूप बना के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो ये जो स्तूप हैं, ये स्तूप, ये जो हड्डियाँ हैं, इनको देखने के लिए करोड़ों लोग आने वाले हैं और ये संग्रहालय बहुत छोटा पड़ जाएगा। बुद्ध की जो बची हुई हड्डियाँ या जली हुई हड्डियाँ या बची हुई अस्थियाँ हैं या अट्ठियाँ हैं या रिलिक्स हैं, इनको संग्रहालय में जो देखने लोग आते हैं उनके कई सारे कारण होते हैं। कुछ लोग जो बहुत श्रद्धावान होते हैं और वो जो बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा लाभ उठाते हैं, अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं, अपने परिवार को बड़ा शालीन और सभ्य और सुखपूर्वक बनाते हैं, वो अपना आभार, अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहाँ आते हैं और बुद्ध के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं कि जो जीवित लोग होते हैं और जीवित संत होते हैं, जिनका इतिहास होता है, जिनकी हिस्ट्री होती है, उनके अवशेष मिलते हैं। जितने भी संत होते हैं, जैसे संत मोहम्मद हैं जो अरब के अंदर हैं, उनके भी अवशेष हैं, और संत ईसा हैं उनके भी अवशेष हैं, और संत बुद्ध हैं उनके भी अवशेष हैं, और संत गुरु नानक हैं उनके भी अवशेष हैं। जितने भी हिस्टोरिकल संत होते हैं जो सच में रियल में दुनिया के अंदर आए हैं और दुनिया में रहते हैं और लोगों के उत्थान का और लोगों के भले का, लोगों को प्यार बांटने का काम करते हैं, लोग उनके अवशेषों को, उनके रिलिक्स को, उनकी बची हुई वस्तुओं को प्रेरणा के लिए अपने पास रखते हैं, संग्रहालय में रखते हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा पाते हैं।
पहला कारण है। दूसरा कारण है जो लोग विपसना साधना करते हैं, जो धम्म के हिसाब से, बुद्ध के हिसाब से जो बुद्ध ने डेवलप किया विपसना साधना, उस विपसना साधना में ऐसा मानते हैं विपस्सी लोग, साधना करने वाले लोग, कि बुद्ध की जितनी धातु होती हैं, इन रिलिक्स को धातु भी बोलते हैं, यानी इसके बहुत सारे नाम हैं, इसका राख है, इसका फूल है, इसका अवशेष है, रिलिक्स है, इसका अट्ठी है, अस्थि है, हड्डियाँ हैं, जो भी कुछ है ये बचे हुए हिस्से हैं, इनके इनसे एक तरंगे स्पेशल आती हैं निकल के। वो तरंगे आने से जब मनुष्य विपसना करता है तो उसको प्रेरणा में कई गुना ज़्यादा उन्नति होती है, और उसको साधना में उन्नति होने से बहुत ज़्यादा साधना में लाभ होता है। वो अपने आप को मुक्त कर सकता है लोभ से, लालच से और दौर्मनस्य से, यानी कि जो निगेटिव पावर है उनसे, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बुद्ध का कोई भी अगर वस्तु है या कोई भी अवशेष है तो इसका मतलब कि बुद्ध वहाँ हैं, ऐसा लोग भी मानते हैं, और इस कारण भी बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है। इतिहास के अंदर अगर आपको इतिहास का साक्षात करना हो, और आप अगर इतिहास के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि सामने जो हड्डियाँ रखी हुई हैं और सामने जो चीज़ें रखी हुई हैं दुनिया के अंदर, वो ये बताती हैं कि ये इतिहास पुरुष हैं, और इनकी जो एजुकेशन है, इनकी जो फिलोसफी है वो ये है। उससे साक्षात्कार होता है और उस समय का अनुभव होता है कि कैसे लोग रहे, और ये बात तय होती है कि वो लोग थे। इसलिए बुद्ध की फिलोसफी में यकीन रखने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। छात्र, स्टूडेंट और छात्रा जो भी हैं वो हिस्ट्री का अध्ययन करने आते हैं, और कुछ अंधश्रद्धा भक्त भी आते हैं, जो ब्लाइंड फेथर होते हैं, जिनको अंधश्रद्धा होती है और जो बहुत ज़्यादा इमोशनल, हाईली इमोशनल होते हैं, और जिनको बिना पढ़े बिना लिखे फिलोसफी में विश्वास होता है, जिन्होंने भगवान को भगवान मान लिया, यानी कि गॉड मान लिया बुद्ध को, ऐसे भी लोग आते हैं अपनी अंधश्रद्धा भक्त अपनी ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करने के लिए, और वो पूजा पाठ में बड़े मन से तल्लीन होते हैं ईश्वर मानते हुए, भगवान मानते हुए, जबकि बुद्ध ने ईश्वर और भगवान का कहीं एक सिंगल जिक्र भी पूरी फिलोसफी में नहीं किया है। ये बहुत सारे कारण हैं, और इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं जो लोग आते हैं, क्योंकि अवशेष पूरी दुनिया में, चाहे बुद्ध के हों, चाहे महावीर स्वामी के हों, या नानक जी के हों, या मोहम्मद साहब के हों, या ईसा मसीह साहब के हों, या फूले के हों, या साहू जी के हों, या कबीर साहब के हों, या रविदास साहब के हों, या अम्बेडकर जी के हों, जितने भी महापुरुष हैं उनके अवशेष हमेशा प्रेरणा देते हैं। और अवशेषों को देखना हो तो उनकी शिक्षा को देखना चाहिए, ऐसा बताते हैं महापुरुष कि हमारे अवशेषों में कुछ नहीं रखा, हमारी शिक्षाओं में सब कुछ है, हमारी एजुकेशन में सब कुछ है, हमारी फिलॉसफी में सब कुछ है, और इस फिलॉसफी को अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये काम करेगी। खाली से पढ़ेंगे, रटेंगे या लोगों को सुनाएंगे या लोगों पे इस पे अपना ज्ञान बघारेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा फिलॉसफी जानता हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बुद्ध ने अपने एक धम्म पद में साफ कहा है कि कोई आदमी, कोई भिक्खु, कोई टीचर अगर सारी के सारी फिलॉसफी जानता हो और प्रैक्टिस एक भी ना करे, उससे बेहतर वो है जो सिर्फ एक धम्मपद सूत्र जानता हो और उसको पूरी जीवन भर प्रैक्टिस करे, वो ज़्यादा बड़ा अच्छा होता है, वो संत होता है। रटने से, सुनने से, सुनाने से फिलॉसफी का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए बुद्ध ने मरते मरते भी अपने भिक्षुओं को ये कहा था कि जाइए और जो धम्म मैंने सिखाया उसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने दुखों को मुक्त कीजिए। हर संत अपनी शिक्षाओं में रहता है, जितने भी संत पैदा हुए हैं वो अपनी फिलॉसफी में जीवित रहते हैं। बुद्ध ने कहा था कि अगर मुझे देखना हो, मुझे मिलना हो, तो मेरी शिक्षाओं को देखना, मेरी शिक्षाओं में आके मिलना। एक बार जीवन में जरूर, क्या बोलते हैं आप, आइए। यहाँ पिपरवा से जो प्राप्त हुई अस्थियाँ हैं उनको देखने के लिए आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत दूर से आई हुई हैं, भगवान बुद्ध की हैं, और भगवान बुद्ध को आप नहीं देख पाए, मगर साक्षात उनकी हड्डियों को देख के आप उनकी शिक्षा से प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए आपको आना चाहिए, और क्योंकि दिल्ली के अंदर है तो दिल्ली में कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से भी आता है तो वो एयरपोर्ट से उतरे, एयरपोर्ट से मेट्रो ले, राजीव चौक पहुँचे, और राजीव चौक से जस्ट एक, दो और तीसरा स्टॉप ये आता है, तीसरे स्टॉप पे आप उतर जाइए, उद्योग नगर का, उद्योग भवन का स्टॉप है, वहाँ से पैदल का रास्ता 3 मिनट का रास्ता है, सामने ये बिल्डिंग है, 20 रुपये का टिकट है, और आपको भगवान बुद्ध की अस्थियों के दर्शन हो जाएंगे। पार्किंग की पूरी सुविधा है, आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो वहाँ पार्किंग भी है, आप मेट्रो से आते हैं तो भी बहुत अच्छा है, आप अगर बस से आते हैं तो बस के नंबर यहाँ जो स्टॉप हैं उसमें दिए हुए हैं, आप किसी भी तरह से आ सकते हैं। आप जीवन में चाहे बुद्धिस्ट हैं चाहे नहीं हैं, चाहे बुद्ध की फिलॉसफी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, अगर आप मनुष्य हैं और आप मनुष्य का कर्तव्य निभाते हैं तो आपको एक बार जरूर आना चाहिए नेशनल म्यूजियम में, राष्ट्रीय संग्रहालय में,
आके देखना चाहिए कि बुद्ध की फिलॉसफी जिसने इतनी मारक, जिसको जगत गुरु, जिसको विश्व गुरु, जिसको विश्व का सबसे बड़ा फिलॉसफर कहा जाता है, उस व्यक्ति की साक्षात हड्डियां वहां कैसे लोगों को इस बात की पेटा देती हैं कि बुद्ध थे। इसलिए बुद्ध बना जा सकता है क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि हर एक व्यक्ति के अंदर बुद्ध बनने के बीज होते हैं। वो अपने बीजों को कैसे डेवलप करता है, वो अपने गुणों को कैसे डेवलप करता है, वो कैसे अपने आप को निखारता है, वो कैसे अपने आप को चमकाता है और कैसे बुद्ध बनाता है, ये उसके व्यवहार के ऊपर है, ये उसके ऊपर है। इसलिए हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। आप आइए, आपका राष्ट्रीय संग्रहालय स्वागत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।